नमस्कार, मेरी चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लाइज को सब्सक्राइब करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिए तथा बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि मेरे वीडियो जब भी अपलोड होंगे तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन देखना आ जाएगी। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि हमने अपने जीवन में देखा है कि बहुत से लोगों का कुंडली में ऐसे योग बने रहते हैं जिनको कि बिना मेहनत के अचानक ही पैसा प्राप्त हो जाता है। और इस तरह के योगों को हम कुंडली में कैसे देख सकते हैं कि आपको अचानक धन प्राप्ति जो होती है वो कैसी हो सकती है? तो ये सब को देखने के लिए हमें आपकी कुंडली में जो देखना होता है कि दूसरा भाव जो है वो धन भाव का है, तो दूसरे भाव को देखेंगे, दूसरे भाव के स्वामी को देखेंगे। फर्स्ट ऑफ लग्न तो मजबूत होना चाहिए। जिसका लग्न मजबूत होगा तो उसका व्यक्तित्व तो मजबूत है, तो उसको सब तरह के जो भी वस्तुएं धन वगैरह है, लग्न बलवान होना बहुत जरूरी है। तो लग्न का स्वामी, लग्न जो भी है आपका, जो भी जातक और जातिका है अपने का, जो भी लग्न हो, लग्न और लग्न भाव के स्वामी का मजबूत होना बहुत जरूरी है। उसके बाद में धन भाव के लिए धन दूसरा भाव, दूसरे भाव को स्वामी को देखेंगे कि ये धन का संबंध जब दूसरे भावों से होगा तो उस तरह का जिस भाव से संबंधित जो योग बनेगा उस तरह का धन उसको अचानक प्राप्त होता है। तो इसके लिए दूसरा भाव है जो धन भाव कहलाता है और उसका स्वामी धनेश कहलाएगा। इसके बाद में पंचम भाव को देखिए। ये जो पंचम भाव है ये लक्ष्मी भाव भी कहलाता है। ये अचानक जो धन हमें मिलते हैं, इनाम से जो धन मिलता है, लॉटरी से, स्कॉलरशिप से आदि से जो धन, शेयर मार्केट से जो धन प्राप्त होता है, शेयर बाजार से जो धन प्राप्त होता है, इस तरह के जो धन प्राप्त होते हैं और इसका पंचम भाव और पंचम भाव का स्वामी का संबंध दूसरे भाव, दूसरे भाव के स्वामी से होता है, तो ये अचानक जो है धन प्राप्ति के योग बना देते हैं। इसी प्रकार से अष्टम भाव जो है वो जो है, अष्टम भाव को हम बोलते हैं, ये वसीयत का भाव है, ये गुप्त भाव जो कहलाता है, गुप्त भूगर्भ भाव कहलाता है। और अनसोचा या जिस धन के बारे में हमने कभी सोचा नहीं है, जैसा वसीयत का है, बीमा का है, गड़ा हुआ धन है आदि, जो अचानक हमें जो प्राप्त होता है वो अष्टम भाव से देखा जाता है, अष्टम भाव स्वामी की स्थिति से देखा जाता है। अष्टम भाव का संबंध अगर धन भाव से हो, पंचम भाव से हो या 11th हाउस जो है अचानक धन प्राप्ति का भाव है उससे हो तो इस तरह का योग बन जाता है। इसके बाद भाग्य का मजबूत होना बहुत जरूरी है। जब भाग्य मजबूत होगा, लग्न मजबूत होगा, तभी आपको इस तरह के जो योग देख रहे हैं उनका आपको उचित फल प्राप्त होगा। तो भाग्य का बलवान होना बहुत जरूरी है। तो भाग्य का स्वामी जैसा है, जो भी है वो मजबूत होना चाहिए। और जो कारक है, इन सब के कारक जो है गुरु ग्रह, वो भी मजबूत होना चाहिए। तो इस तरह 11वां भाव है जो कि हमें लाभ का भाव, इच्छा पूर्ति का भाव है, अच्छा जो भी हमें लाभ प्राप्त होता है वो यहाँ से देखा जाता है और यहाँ से सब इच्छाओं की पूर्ति होती है। तो लाभ भाव का भी संबंध इन भावों से होना चाहिए। तो आज हम जो जानकारी दे रहे हैं, जो भी लग्न के जातक और जातिका है वो देखें कि इन भावों का बलवान होना, मतलब इनके जो स्वामी है, पहले भाव, दूसरा भाव, पंचम भाव, अष्टम भाव और 9वां भाव और 11वां भाव, इनके स्वामी मजबूत जब कहलाएंगे वो जब अपने स्वराशि के होते हैं, उच्च के होते हैं, मूल त्रिकोण में होते हैं, मित्र ग्रहों के साथ में होते हैं, तो उनको हम बलवान कहते हैं। और वो केंद्र में, त्रिकोण में, इस तरह के स्वराशि के, उच्च के, मूल त्रिकोण के, मित्र राशि में होते हैं तो उनको बलवान कहा जाता है। तो इस तरह से इन ग्रहों का आने, पहला भाव, दूसरा भाव, पांचवा भाव, आठवां भाव, 9वां भाव और 11वां भाव, इनके स्वामी का बलवान होने की हमने स्थिति बताई। अब देखिए कि अगर धन भाव का स्वामी का संबंध अगर पंचम भाव से होगा, इनका राशि परिवर्तन हो, मतलब पंचम भाव का स्वामी मान लो आपका
धन भाव में चला जाता है, धन भाव का स्वामी पंचम भाव चला जाता है। तो ये आपको दिखाएगा कि आपको स्कॉलरशिप लॉटरी वगैरह इनाम से यह धन प्राप्त होगा। अब इसी तरह से पंचम भाव का जो है लॉटरी है, इसका से शेयर मार्केट इसका 11वें भाव से अगर संबंध बनता है, इनका एक दूसरे का राशि परिवर्तन होता है, युति होती है, तो भी आपको इस तरह से लाभ जो प्राप्त होगा वो आपको जो भी हमने बताया है कि लॉटरी से स्कॉलरशिप इससे होगा। ऐसे अष्टम भाव का संबंध जब धन भाव से होता है तो आपका जो अष्टम भाव से जो हमने बताया कि अचानक जो धन प्राप्ति होती है वसीयत से, बीमा से, या गड़े हुए धन से, या कहीं भी जगह अचानक जो धन प्राप्त होता है उसका संबंध अगर धन भाव से होगा तो अचानक धन प्राप्ति का होगा। मतलब शुक्र और मंगल की युति जैसे यहाँ पे हो रही है तो इस तरह की हो सकती है, या यह शुक्र आपका अष्टम भाव में और मंगल आपके दूसरे भाव में, ये राशि परिवर्तन से भी हो सकता है, युति जैसे कहीं पे भी हो सकती है, केंद्र में त्रिकोण में भी हो सकती है, ऐसी युति भी होगी तो भी आपको अचानक जो इस तरह का हमने बताया वो धन प्राप्त होगा। इसी तरह से अगर इसका लाभ भाव से अष्टम भाव का संबंध लाभ भाव से होगा तो हमको अचानक जो लाभ है वो भी हमें इन चीजों से हो सकता है जो हमने अभी बताया कि वसीयत से अचानक लाभ हो सकता है, गड़े हुए धन से अचानक लाभ हो सकता है, बीमा से हो सकता है, इस तरह से गुप्त तरीके से भी जो लाभ प्राप्त होते हैं वो अष्टम भाव से देखते हैं और उसका संबंध लाभ से होता है। लाभ भाव जो इच्छा इनका मतलब राशि परिवर्तन हो कि मंगल और शनि का एक दूसरे के घर में बैठना या इनकी युति होना और ऐसा होना चाहिए। और लाभ भाव बलवान होना, जैसे यहाँ बृहस्पति देखिए अपने घर को देख रहा है तो आपका भाग्य मजबूत होना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप देखिए कि आपका भाग्य भाव का स्वामी जो भी हो, जैसे यहाँ बृहस्पति है वो अपने घर को देख रहा है तो वो मजबूत है, ऐसे ही ये केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, पहले चौथे सातवें या दसवें भाव में हो, या पांचवें भाव में हो, नौवें भाव में हो, परंतु वो अपने सौ राशि के हो, जैसे यहाँ सौ राशि का हो सकता है, यहाँ उच्च का हो सकता है, यहाँ मित्र के घर में गुरु हो सकता है, तो ऐसा तो भाग्य आपका बलवान है। तो भाग्य बलवान होगा और साथ में ऐसे योग जो हमने बताए धन भाव से, पंचम भाव से, अष्टम भाव से और 11 भाव के, तो आपको अचानक धन प्राप्ति का जो सोर्स है, जो भाव से है कनेक्टेड, उससे मिलता है। ऐसे ही धन भाव और लाभ भाव में भी राशि परिवर्तन होता है तो भी आपको धन लाभ का प्राप्त होगा। मतलब कि ये कि शुक्र आपका 11वें भाव में बैठे और 11वें भाव का सामने शनि यहाँ बैठ जाते हैं, तो यह शुक्र शनि की युति जैसे यहाँ बन रही है ऐसी कहीं पे भी होती है। राहु केतु के कारण भी अचानक धन प्राप्ति के योग बना देते हैं, तो यहाँ भी राहु देख रहा है कि अचानक ही आपको धन प्राप्ति होगी क्योंकि राहु यहाँ मित्र राशि में बैठा है, शुक्र की दो नंबर की राशि में, तो इस तरह से केतु भी अपने मित्र राशि में बैठा है, तो इस तरह से राहु का काम है अचानक वो अष्टम भाव से भी संबंध बना है, अष्टम भाव भी अचानक धन प्राप्ति का है और राहु भी उसमें हेल्प कर रहा है। और इस तरह से जो योग आप देख रहे हैं तो आज हमने जो बात की आपको कि कुंडली का जो अचानक धन कैसे प्राप्त होता है, हमको ये इनाम से होता है, भेंट से होता है, वसीयत से होता है, घड़े हुए धन से, स्कॉलरशिप, शेयर मार्केट आदि से होता है, और पंचम भाव को देखा ये भी लक्ष्मी भाव कहलाता है, तो लक्ष्मी भाव का इसलिए पंचम भाव और पंचम भाव का स्वामी और गुरु की स्थिति, गुरु जो कारक है इन सबका है, धन का कारक है ये और सबका कारक है, तो गुरु की स्थिति भी अच्छी होना चाहिए। कोई सा भी लग्न हो आपका गुरु का स्थिति अच्छी होना चाहिए। और जो अष्टम भाव का हमने बताया कि अचानक धन देने का भाव है, वसीयत से देने का है, भूगर्भ मतलब गड़ा हुआ धन है, बीमा का धन है, या कहीं से भी अचानक हमने जो सोचा नहीं इस तरह का धन जो प्राप्त होता है वो अष्टम भाव से देखा, और इनका संबंध हमने बताया धन भाव से, लाभ भाव से हो और या फिर पंचम भाव से हो, तो उस तरह से आपको धन प्राप्त होगा। और भाग्यशाली होना बहुत जरूरी है, इसलिए आपका जो नवम भाव का स्वामी है उसके मजबूती के लिए हमने बताया कि किस तरह से उच्च का, सौ राशि का, मित्र राशि का केंद्र में त्रिकोण में होगा, तो भाग्य मजबूत होने से आपको इस तरह के फल प्राप्त होने के योग बन जाते हैं। तो इसलिए धन भाव का एकादश भाव जो लाभ भाव है या सब इच्छा पूर्ति का भाव है,
और इनके पंचम भाव जो है आपका प्रारब्ध है, लक्ष्मी भाव है, अष्टम है गुप्त धन है, नवम भाव भाग्य है। तो इन सबके अधिपतियों का जो संबंध एक दूसरे से होने से, राशि परिवर्तन होने से, युति होने से या शुभ प्रभाव में होने से आपको इस तरह का धन प्राप्ति होगा। तो हमने आपको बताया धनेश अष्टम में इसका संबंध एक दूसरे का बताया, फिर लग्नेश का भी, लग्न भाव भी मजबूत हुआ, लग्नेश का भी अगर इन धन भावों से संबंध होता है, राशि परिवर्तन होता है तो भी आपको अचानक धन प्राप्त होता है। द्वितीय भाव धन भाव लाभ भाव में अगर चंद्र मंगल की युति भी अच्छी है, शुभ हो, तो भी अचानक धन प्राप्ति के योग बना रहता है। गुरु जो है जैसे यहाँ पे अगर अष्टम भाव में चला जाता है तो अष्टम भाव में गुरु जाने से भी आपको अचानक धन प्राप्ति का योग बना देता है। द्वितीय पंचम का भी हमने बताया आपको, तो इसलिए हमने बताया कि दूसरा भाव धन भाव, पंचम भाव और एकादश भाव और नवम भाव, इनका संबंध कहीं पे भी होने से अचानक धन प्राप्ति के योग बना देते हैं। तो इस तरह आपको इसको बलवान करने के लिए गुरु ग्रह को हमेशा मजबूत कीजिए, क्योंकि गुरु धन का कारक है, आपका इन सब भावों के कारक है। तो गुरु के लिए गुरु के मंत्रों के जाप कीजिए, 108 बार कीजिए। इसके बाद लग्न को मजबूत कीजिए, जो भी लग्न हो उसके मंत्रों के जाप 108 बार कीजिए। फिर पंचम भाव से इष्ट देव को देखते हैं तो इष्ट देव की आराधना कीजिए और उस उनसे प्रतिदिन कीजिए, और भाग्य भाव का जो भी स्वामी बनता है उसके भी मंत्रों के जाप करके वो आप उनको भी बलवान कर सकते हैं। और जो भी दशा अंतर दशाएं जो उनकी चलती है तो आपको वैसे धन प्राप्त होता है। मान लो जैसे अष्टम भाव का स्वामी मंगल की दशा चले और शुक्र की अंतर दशा चले तो आपको, या शुक्र की दशा और मंगल की अंतर दशा, तो आप अचानक जो धन प्राप्ति अष्टम भाव से, वसीयत से, गुप्त धन से और कहीं से भी अचानक धन प्राप्त आपको हो जाएगा। तो इसलिए उनके दशा अंतर दशाओं में ऐसे योग फलित होते हैं। तो जो भी दशा अंतर दशा चल रही है, तो मंगल की चल रही है, शुक्र की अंतर दशा चल रही है, तो इनके मंत्रों की जाप कीजिए, 108 बार कीजिए, प्रतिदिन कीजिए। तो आपके सरल उपायों से आप अपने प्रभाव को मजबूत करके इस तरह के योगों में आपको सहायता प्राप्त होगी। तो आज हमने जो आपको वीडियो बनाया हुआ, अगर अच्छा लग रहा हो तो मेरी चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ साथ में आप चाहते हैं टेलीफोन से परामर्श, तो मामूली दक्षिणा देके टेलीफोन से परामर्श भी प्राप्त कर सकते हैं। आपने मेरा वीडियो देखा, लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।